मुझे रोकने के बहाने हैं गाइस, ये राहुल चाहते कि मैं नहीं जाऊं अपने घर। ये देखो यहाँ भी मार, ये नाखून मार, ये देखो पूरा घायल, अपने आप को घायल कर दिया। इसने जानबूझ के मैं नहीं रुकूंगी। जब मैं जाना ना तो पहले पूछदा कि ये जी कहा दियोन मैं, तब मैं बताऊं कि कहा दियोन, तब ये अपनी मर्जी से के मैंने। ये देखो गाइस, ये देखो जो हमारी सास को बहुत अच्छा समझते थे, ये है इनका असली रूप। ये देखो फिर से बोलना, फिर से बोलना। एक महीने अब रखो आप। अरे अच्छा अच्छा, ये कह रहे पर सर पे हाथ रख के कह रहे अच्छा। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल कुरियाल। और गाइस आप देख सकते हैं दिव्या कर रही है प्रेस, वो भी खुश होके। खुश होके कोई प्रेस कर दे लड़की, लेकिन ये कर रही है और यहाँ पैकिंग भी कर चुकी है, तो खुश है और काम कर रही है, इसका मतलब कुछ तो बहुत अच्छी बात है इसके लिए। दिव्या आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को आप इतने खुश क्यों? मैं इतनी खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने माइक पे। और आप देख सकते हैं मैं डबल खुश हूँ क्योंकि दिव्या जा रही है अपने माइक के। और कितने दिन के लिए जा रहे हो आप? अभी देखो कब तक आती है, कुछ नहीं। वैसे जो दिव्या जा रही है वो लगभग एक महीने, हाँ एक महीने के लिए दिव्या जा रही है अपने मायके। बहुत टाइम से बोल रही है कि मैं अपने मायके नहीं गई, तो मैं अपने मायके होके आती हूँ। तो गाइस इस वजह से चल रही है यहाँ पर पैकिंग शैकिंग हो रही है और इसको छोड़ के आऊंगा मैं मायके। और मैंने अपने घर पे नहीं बताया है कि मैं आज आ रही हूँ, मतलब मैंने बोला था कि मैं फरवरी में आऊंगी, बट मैंने ये नहीं बताया आज आ रही हूँ। उनको कोई आइडिया नहीं है मतलब कि दिव्या आज की बात कर रही है, तो उनको ये लग रहा था कि फर्स्ट सेकंड वीक में किसी दिन आएगी, किसी दिन आऊंगी। और दूसरी चीज, जो मेरा बैग है जो मुझे ले जाना है वो है मेरे मायके में। कपड़े आपको पता है सर्दियों में इतने ज्यादा होते हैं, सब डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल पहनने पड़ते हैं, लेके कैसे आएगी बैग? तो मैं सोच रही हूँ बैग लेने वहां जाऊंगी, तो बताऊंगी नहीं, बोलूंगी चाहिए बैग सामान रखना है अपना। मतलब ये कोई गंदी सी एक्टिंग करने वाली है, तो देख लेना यार और कमेंट में लिख देना तारीफ की, अच्छी एक्टिंग करी, बहुत अच्छा। मतलब इसके सरप्राइज को ऐसे कर देना, वाओ पता ही नहीं चला उनको। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ इस व्लॉग में। हम आज दिव्या को घर तक छोड़ के, आप भी मेरी मदद करें दिव्या को उसके घर तक छोड़ने में, कहीं इसका डिसीजन बदल ना जाए। एक महीने के लिए मेरे को थोड़ा सा शांति चाहिए, तो गाइज आप बने रहे मेरे साथ प्लीज। दिव्या तो चली जाएगी ना एक बार उधर मुंह कर यार, बड़ा दुख हो रहा है, मुंह उधर करिए। अबे नहीं यार सच में दुख हो रहा है यार मुझे। और गाइस ये देख सकते हैं आप, दिव्या के हाथ में जो बैग दिख रहा है वो हम इसी के घर से लेके आए हैं। मम्मी पूछ भी रही थी कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। इसकी मम्मी को लग रहा है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, ये नहीं पता कि वहीं लेके आ रहा हूँ मैं इनकी बेटी को। सो गाइस सारी तैयारियां हो चुकी है दिव्या के घर जाने की, और दिव्या ने जाते जाते देखो क्या करा, ये देखो मेरी याद में राहुल ने अपना हाथ में चोट लगा दी, ताकि मैं मुझे रोकने के बहाने ही। नहीं मुझे रोकने के बहाने, मेरा हाथ ऐसे रखा था दरवाजे पे, इसने जानबूझ के दरवाजा बंद कर दिया ताकि मेरा हाथ टूट जाए। देखो मुझे रोकने के बहाने हैं गाइस, ये राहुल चाहते कि मैं नहीं जाऊं अपने घर। ये देखो यहाँ भी मार, इसने नाखून मार, पूरा घायल, अपने आप को घायल कर दिया। इसने मैं नहीं रुकूंगी। झूठे से होता है ना, जो ये तीन दिन से मैं कहूँ ये अपना झूठा क्यों खिला रही है, ले मेरे साथ का, मेरे साथ का। और ये देखो गाइस मेरे को वो झूठा गाने के, मैं नहीं रुकूंगी गाने हो गए, ये इतना सब कुछ दुख दे के जा रही है मुझे जाते जाते। तो ये जा रही है और मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है मतलब इसके जाने का, बाकी तो ये मेरे साथ वीडियो कॉल पे रहेगी, है ना, कॉल भी करती रहेगी मुझे। तो चलते हैं नीचे, तो इसकी विदाई करके आते हैं, फिर इसके घर दिखाते हैं आपको क्या क्या तैयार। वैसे उनको पता नहीं है, उनका रिएक्शन भी कैप्चर करना पड़ेगा हमको। हाँ उन्होंने खाना भी नहीं बनाया होगा हम लोगों के लिए, तो हम रिस्क लेके जा रहे हैं। भैया ऐसा ना हो, मैं तो घर में बोल के जा रहा हूँ कि आज मेरा खाना वही है, और वहाँ उन्होंने बनाया ना, और फिर ऑर्डर कर देंगे क्या? ऑर्डर कर देंगे भैया, दामाद जी की जैसे मर्जी हो भाई, पर खातिरदारी होनी चाहिए। मैं अपने सब व्यूअर्स को बताऊंगा कि कितनी खातिरदारी करी तुमने दामाद जी की। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ, तुसी जल्दी जाओ, किसी की नहीं, तुसी जल्दी जाओ। तो ये है इसका सामान जो हो चुका है पैक, और जल्दी से छोड़ के आते हैं इसे। ये देख सकते हैं यहाँ पे भाभी और मम्मी बैठी हुई हैं अपनी बहू को छोड़ने के लिए। कैसा लग रहा है मम्मी, बहू जा रही है एक महीने के लिए? महीना जब मैं जाना ना तो पहले पूछदा कि ये जी कहा दियोन मैं, तब मैं बताऊं कि कहा दियोन, तब ये अपनी मर्जी से के मैंने। ये देखो गाइस, ये देखो जो हमारी सास को बहुत अच्छा समझते थे, ये है इनका असली रूप। ये देखो फिर से बोलना। जब मैं जाना ना तो ये नहीं जान दे के बोल दे के मैं तय देना हूँ, यान बोल ये जी मैं कहा दिया हूँ, तब मैं बोलूँ मैं अपनी बता रही है, मैं अपनी आदमी थी बता रही है। तब मैं बोल के आए एक दिन, तो जय दिन खान दूला बोलो ना कि आ जाऊँ तू,
अगर तय दिन से एक दिन है कई दिन होएगे तब मैं नींद अगड़ी बात नहीं करने की है मेरा तो ब्याह देख तो बोलू तो आज केक आई पर यहाँ दिव्या का दावा है कि वो कब आएगी तो देखो कब आती हूँ अभी जाऊँ तो सही पहले पहुँचो तो सही निकले तो सही पहले यहाँ से नहीं ये आएगी 21वें दिन 22वें दिन नहीं 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 इस बार तो पूरे 30 दिन में आऊंगी हर बार मैं 20 दिन में ही आती हूँ सगन बना रखा है मेरा 21 दिन का इस बार मैं 31 का करके आऊंगी मैं एक महीना लगा के तो 28 का है मैंने पापा पापा बोले कि महीना 30 दिन इसीलिए मेरे को पता है 28 का महीना है ये क्या इस बीच बहुत मिलना जुलना हमारा बहन जा रही है एक महीने के लिए क्या कैसा लग रहा है क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ भाई ये देखो तू जो दीदी दीदी करती है कह रही है कि मैं बहुत खुश हूँ कि ये मेरी बहन जा रही है मेरे को छुट्टी मिल रही है इसलिए खुश है नहीं उन्होंने बोला जा रही है खुश हूँ तो किस लिए खुश है अभी बहुत टाइम बाद जा रहे इसीलिए और अनुज है नहीं तो दिव्या हम आपको जब अनुज आएंगे उनसे तब मिलवाएंगे हाँ भैया के लिए भी सरप्राइज है भैया को भी नहीं पता मैं जा रही हूँ अनुज को तो मेरे भाई को मैंने बता दिया था बता दिया पर अनुज को तो वीडियो कॉल कर दियो घर पहुँच के ठीक है क्योंकि वो लेट आएगा ऑफिस से ठीक है ठीक है तो सामान हो गया है पैक जाने की हो गई है तैयारी जाते हैं वहाँ और ये अपने घर वालों को तो सरप्राइज दे रही है पर मुझे डर लग रहा है कई सरप्राइज के चक्कर में मैं भूखा रह जाऊँ गाइस यहाँ पर जाते हुए अच्छा सोच रही हूँ 5 दिन के लिए 2 बैग लेके जा अभी हमने थोड़े दिन बाद शादी में जाना है 3-4 दिन बाद तो हम शादी में मिलेंगे चलो ठीक है अपनी छुट्टी के लिए अच्छे से एंजॉय करियो ध्यान रखो आप भी अपना सब ध्यान रखो चलो ओके बाय बाय टेक केयर ये गेट मिला ना सास तक गया बड़े बड़े अफसर बन के अब ये जान तो ये देखो हाथ मिलाने का टाइम आ गया अब चलो तो यहाँ पर मिलोगे जब तुम कहोगे देखो हमारे पड़ोस भी छोड़ने आते हैं जब ये जाती है पड़ोसी भी छोड़ने आ रहे हैं वो भी इतने खुश हैं यहाँ पर हम आ चुके हैं हर बार मत किया करो तुम दिमाग खराब करते हो तुम हर बार लाते हो अच्छा और क्या ऐसे नहीं बोले कि दामाद जी और कमाओ और लाते रहो भगवान करे तो खूब कमाए और यहाँ हम आ चुके हैं दिव्या को छोड़ने दादा दादी जी के घर दादाजी के लिए लाए थे कार वहाँ दादाजी के पास था तो दादाजी ने बोला था इसमें गाने डाल के लाने नरेंद्र सिंह नेगी जी के और राहुल अभी ये बताओ आपको कैसा लगेगा दिव्या यहाँ रह रहे हैं बहुत अच्छा चाची आपको पता होना चाहिए मुझे कैसा लगेगा रहने दे यस मुझे बहुत अच्छा लगे ये लो दादाजी आपके नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने सही है बहुत बहुत थैंक यू 2.5 घंटे के गाने चलेंगे इसमें दादाजी चरमा गए हाय हाय साली चॉकलेट हाय साली दादी दिव्या रहने के लिए आई है 1 महीने मैंने कहा थोड़ी देर मैं भी तो खुश रहूं अब थोड़े दिन तुम परेशान रहो अब दीदी को रोज पास्ता बना के खिलाएंगे सैंडविच खिलाएंगे भाई मैं ये आ गई ना तो मैं सब कुछ खा लिया की नहीं 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 मेरी चॉकलेट नहीं मिली अभी तक दीदी देख रहे हो और गाइस हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ रहने आ गए बताया भी नहीं कैसे सरप्राइज मां नमस्ते कितनी गलत बात है और ये क्या कह रही थी क्या डायलॉग मारा चलो भाई नमस्ते पापा पापा चलो वो देखो यहाँ अब यस 1 महीने अब रखो आप अरे अच्छा अच्छा ये कह पर सर पे हाथ रख के कह रहे अच्छा तभी तो इसी ने बोला नहीं बताना सरप्राइज देना है मैंने कहा वो भी इसको तैयार होने का मौका भी नहीं दिया बैंड बाजे वाले को
अच्छा ये सारे बैग देख के आया, सारे बैग देख के आया, वही तो नहीं मैंने ध्यान देता हूं बैग थोड़ी इसको पता ही नहीं गाइस। यहाँ पर आ चुके हैं हमारे लिए पनीर मोमोज, तो दमाद जी का स्वागत इस तरीके से किया जा रहा है, पहले पनीर मोमोज और साथ ही साथ तन्नू वहाँ बना रही है चाय। तो अब हम करेंगे मोमोज पार्टी अंदर पापा के साथ। गाइस यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, तन्नू ने जो चाय बनाई है वो बहुत ही टेस्टी बनाई है। तन्नू थैंक यू सो मच। और बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं तन्नू को कि तन्नू को अपना होटल खोलना चाहिए। हाँ हाँ लोगों ने बोला है अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, तो इन्वेस्ट कर देंगे हम। नहीं मैं तो सेफ है तन्नू, मैं तो आपको बोल रही थी। हाँ चल ठीक है, दोनों मिलके मैं बर्तन दो दूँ, मैं बर्तन दो दूंगा। जीजा साली का ढाबा। तो मैच देखने के बाद अब हम कर रहे हैं डिनर, और डिनर में है कढ़ाई पनीर। तो आपको कैसा लग रहा है माई के आगे, अब कल से क्या क्या आपका शेड्यूल है? ज्यादा ठंड है, शेड्यूल बताओ अपना। शेड्यूल कुछ नहीं है। कितने बजे उठोगे सुबह? मैं 10:30 और सोओगे कितने बजे? सोऊंगी तो 10 बजे। जल्दी सो जाएगी, लेट उठेगी? पूरे मजे करेगी मतलब। चलो माँ देख लो, एक महीना अब आपने झेल लें। माँ कह रही मैं पहले भी झेलती थी। वाह। सो गाइस खाना खा के हम लोग यहाँ पे लेटे हुए हैं और माँ कॉफी बना के ला रही है हमारे लिए। ठीक है, चीनी भी है वो भी, और माँ कॉफी ले ही आई है हमारे लिए। तो अब जल्दी से कॉफी पियेंगे और फिर घर जाएंगे। अगर लोग पूछे भैया आपके हाथ में क्या हुआ, इसने मारा है। नहीं तो मैं बताना चाहूंगी कि ये स्ट्रेन आ गया, ऐसे राहुल ने अपनी हड्डियां बचाई ऐसे, और यहाँ पे नर्व में स्ट्रेन आ गया, तो इसलिए बांधा हुआ है ताकि वो पेन ठीक हो जाए। अब तो मेरी जल्दी रिकवरी के लिए कमेंट करो। सो गाइस अब हो गया टाइम दिव्या के घर से अलविदा लेने का, विदा लेने का टाइम हो गया है। तो चल मस्त मजे में रहिए, ठीक है? अब हम मिलते हैं कुछ दिनों बाद। वैसे हमने मिलना ही है, तो थोड़े दिनों बाद मिलते हैं, आपसे भी मिलेंगे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, जिसमें मैंने दिव्या को उसके घर छोड़ दिया है। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, तेरे को भी बाय।